टू अनिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आईसीटी की यूनिट हमारी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। अब हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम सॉल्व करेंगे। उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये है कि डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ये चेंज करने के लिए कई बार क्वेश्चन आते हैं और आपको बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझना कि किस तरीके से हम इसे चेंज करते हैं, क्योंकि जब भी जितने भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं लास्ट ईयर्स के, उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर ही आया है, तो उसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, डेसिमल नंबर, जब हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा 25, ठीक है, यदि हमने लिखा 17, ये नंबर क्या है, किस फॉर्म में कहलाता है, डेसिमल के फॉर्म में कहलाता है। और अगर यही नंबर लिखा जा रहा है 0 और 1 के फॉर्म में, तो ये नंबर कैसा कहलाता है, आपका बाइनरी नंबर कहलाता है। क्वेश्चन आता है कैसे चेंज करें डेसिमल को, इस डेसिमल नंबर को बाइनरी में या इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में, तो आज के सेशन में हम ये देखेंगे और प्लस हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं डेसिमल को हम बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए, एक हमारे पास नंबर दिया गया है, फॉर एग्जांपल 17, तो आपको क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करते जाना है। 2 से डिवाइड करेंगे, अगर हम 17 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 2 8 16, है ना, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। फिर हमने 8 आया, 8 को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 चौको 8, यहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा इसलिए 0, फिर 2 चौको 8, है ना, फिर 0, फिर 2 एकम 2, 0, और यहाँ पर आया क्योंकि 1 से आपने डिवाइड किया है, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 0 0 0 1, तो इसका बाइनरी फॉर्म क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1, क्लियर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, 25। अब 25 को हम चेंज करते हैं तो क्या आएगा, 2 से चेंज करते हैं हम इसको, है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बच रहा है रिमाइंडर कितना, 1। फिर हम 2 से करेंगे, 2 छक्का 12, रिमाइंडर कितना हो रहा है, 0। फिर 2 3 6, रिमाइंडर 0, 2 एकम 2, रिमाइंडर 1 बच रहा है, फिर ये आया 1, तो यहां से हम काउंट करेंगे 1 1 1 0 0 1, ठीक है, तो यहां से हमने ये, मैंने रॉन्ग लिखा हुआ है, तो यहां से आएगा 1 1 0 0 1, ठीक है, यहां से काउंट किया 1 1 0 0 1, ठीक है। कुछ बड़ा नंबर ले लेते हैं, 266, है ना, इसको भी हमने ऐसे ही डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 266 में 2 से डिवाइड करेंगे, फुल डिवीजन हो जाएगा, बचता है कितना, 133, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, फिर उसके बाद 133 को किया तो रिमाइंडर बचेगा 1, फिर डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 66, इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 33, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, फिर 16 को इस तरीके से हमने सब कर लिया, लास्ट में कितना बच रहा है, 2 एकम 2, तो आंसर कितना आ रहा है, 1, यहां से हम काउंट करेंगे 1 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0, ठीक है। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कई सारे क्वेश्चन इस तरह से किया करें, ठीक है। अब मैं थोड़े से क्वेश्चन भी देख लेती हूँ, कुछ क्वेश्चंस आए हों जैसे, तो वो मैं आपको एज अ होमवर्क देती हूँ कि आप उसे घर में जरूर करिएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए 156, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 156 को हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो 25 का हमने किया है, वो 25 का क्वेश्चन मुझे कई जगह मिला है, 25 वाला जो क्वेश्चन है वो हमें ऐसा है कि मैं जितने भी क्वेश्चन देखती हूँ हर जगह मुझे वो 25 वाला क्वेश्चन दिख जाता है, ठीक है, ठीक है। 166 दे दिया, 178 और 256, ठीक है, ये क्वेश्चन 3 है, इन्हें आपको सॉल्व करना है और आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम कर लेते हैं डेसिमल टू बाइनरी, तो हमने देख लिया, अब हम देख लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल। चलो अब हम देख लेते हैं क्या,
बाइनरी में अगर कोई नंबर हो तो उसको डेसिमल में कैसे बदल लेते हैं? सपोज करते हैं ये हमारे पास एग्जांपल है ना, जो हमें दिया हुआ है यहाँ पर, अभी लिखा हुआ है 1001101. अब इसको हमें डेसिमल में बदलना है, कैसे बदलेंगे? तो आपको करना क्या है, आपको राइट से स्टार्ट करना है, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे हम, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, ठीक है? अब क्या करना है, आपको इनका मल्टीप्लाई, जो भी इसका आंसर आता है ना, पावर को सॉल्व करते हैं उसका ऊपर मल्टीप्लाई भी करते जाना है, ठीक है? तो 2 की पावर, जब भी कभी किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है, ये रूल है, ठीक है? जब भी हम किसी की भी पावर देखते हैं ना, जैसे लिखा हुआ हो 2 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या है, 2 का 2 बार मल्टीप्लीकेशन, 2 की पावर 0 हो तो उसका आंसर होता है 1, ये याद रखना है। 2 की पावर अगर 3 हो तो क्या करते हैं, 2 × 2 × 2। अगर 2 की पावर 7 है तो इसका मतलब क्या है, 2 का 7 टाइम मल्टीप्लीकेशन, ठीक है? कितना हो गया, 6 और ये 7 बार, क्लियर? तो अब यहाँ पर हमने देखा 2 की पावर 0 तो आया कितना, 1, 1 का मल्टीप्लाई किया 1 से तो आंसर आता है 1, फिर 2 की पावर 1 का आंसर कितना आएगा, 2 की पावर 1 है तो आंसर कितना आएगा, 2, तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया हमने 2, 2 की पावर 2 करते हैं तो आंसर कितना आता है, 4, 4 का पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 की पावर 3, 3 का आंसर कितना आता है, 8, 8 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, फिर 2 की पावर 4 आंसर कितना आएगा, 16, है ना, 16, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 8 × 2 = 16, ठीक है? अब 2 की पावर 5, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 32, बट उसका 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो फिर आएगा क्या, यहाँ से 2 की पावर 5 हो गया हमारा, फिर आता है कितना, 2 की पावर 6, इसमें एक बार 2 का मल्टीप्लाई और कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 64, बट उसका 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, फिर आएगा 2 की पावर 7, मतलब एक बार और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 128, और 128 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128, क्लियर? अब हमें क्या करना है, इन सब को जोड़ देना है, तो 128, 16, 8, 2 और 1, इन सबको हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा कितना, 155, तो उत्तर आ गया हमारा कितना, 155, समझ में आ गया? एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम इसी तरीके का, थोड़ा सा छोटा देख लेते हैं और उसके बाद आपको मैं कुछ होमवर्क भी दूंगी, तो वो भी आप कीजिएगा, ठीक है? चलो, एक 1001101, ठीक है? इसका भी हम वैसे ही करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7, ठीक है? वैसे ही सॉल्व करना है इसको, तो यहाँ तो आ जाएगा 1, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 से 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, इसका भी 0, यहाँ पे 8, 2 की पावर 3 क्या आएगा, 8, और 8 का मल्टीप्लाई होगा 1 से तो कितना आएगा, 8, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 16 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 2 की पावर 0 तो 0 ही होगा, यहाँ पर भी 0 होगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, वही 128, है ना? सबको ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है, 128 प्लस 16 प्लस 8 और प्लस 1 कितना होता है, 8 और 8 16, और 6 22, और 1 23, हाँ सिलाई 2 2 2 4, और 1 5, और ये आया तो आंसर आ रहा हमारा 153, ठीक है? चलिए, अब इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन आप करिएगा, जैसे 1 1 0 0 1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2,
10101, क्वेश्चन नंबर 3 11001, ठीक है। इस तरीके से ये तीन क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर हम अपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ मैंने छांटे हैं आपके लिए और उनको आप सॉल्व कीजिएगा। उनके भी मैं आंसर अभी नहीं बताऊंगी, उनके आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं और उनके आंसर फिर मैं कल आपको बताऊंगी, ठीक है। अगर ऐसा सही है तो मुझे बताइए सही है कि नहीं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आंसर भी बताती जाऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को।